नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इससे पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपने संसदीय कार्रवाई के साधन में प्रश्नकाल को पढ़ा था। अब हम उससे आगे बात करेंगे, प्रश्नकाल के बाद की जो कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके बाद में होता है शून्यकाल। क्या होता है शून्यकाल? प्रश्नकाल की जो कार्रवाई है वो संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें शामिल है, परिभाषित है कि वो किस प्रकार से काम करता है। लेकिन शून्यकाल जो है ये कोई जो है कहीं ये प्रक्रिया में दर्ज नहीं है और यह भारत की अनोखी पहल है। यानी कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया, उससे पहले दुनिया में कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, ये भारत की अनोखी पहल है और 1962 से यह भारतीय संसदीय परंपरा में लगातार जारी है। ठीक है, 1962 से लगातार जारी है। अब बात करते हैं शून्यकाल है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल पहला घंटा होता है, यानी कि 11 से लेकर के 12 तक। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद में जो कार्यवाही का समय होता है, प्रश्नकाल और कार्यवाही के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नकाल और कार्यवाही के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नकाल और कार्यवाही के बीच का समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। अब चूंकि इस ड्यूरेशन में कोई परिभाषित क्रियाकलाप नहीं होते थे, इसलिए भारत की संसदीय व्यवस्था ने एक अनोखा पहल किया और इस ड्यूरेशन को शून्यकाल कहा जाने लगा। तो दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि संसदीय कार्यवाही का दूसरा घंटा, संसदीय कार्यवाही का दूसरा घंटा शून्यकाल होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्यकाल होता है। ठीक, अब शून्यकाल का जो लक्षण है वो क्या है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जिन लोगों ने भी नोट नहीं किया वो वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लेंगे। ठीक है, शून्यकाल के दौरान बिना सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शून्यकाल के दौरान बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये एक सबसे जो है बेहतरीन लक्षण होता है किसका? शून्यकाल का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। शून्यकाल हमारा समाप्त होता है, इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि ये संवैधानिक है कि नहीं है, संसदीय प्रक्रिया में है कि नहीं है, तो ये उसमें नहीं है। ये एक भारत की नई पहल थी जो कि एक जो है कार्यवाही के दौरान कह सकते हैं कि उपजी और 1962 से लगातार ये जारी है। अब बात करते हैं प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव क्या होता है?
तो संसद में वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी क्रियाकलाप बिना चेयर के परमिशन के नहीं होता है। ठीक है, संसद में कोई भी क्रियाकलाप बिना चेयर के परमिशन के नहीं होता है। चेयर का मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चेयर और राज्यसभा में सभापति का चेयर। ठीक है, उस पर चाहे जो बैठा हो उसके परमिशन से ही कोई काम होता है। ठीक है, तो प्रस्ताव जो है वो एक प्रकार का नोटिस होता है, जानकारी दी जाती है किसको, सभापति को या अध्यक्ष को, कि हम इस प्रकार का बातचीत करना चाहते हैं या इस पर हम वोटिंग करवाना चाहते हैं, ये हमारा प्रस्ताव है। ठीक है, तो प्रस्ताव के कई वर्गीकरण है। ठीक है, लेकिन प्रस्ताव क्या होता है, बात शुरुआत करने की एक प्रक्रिया होती है। संसद में अपना बात रखने का, अपना मत रखने का, अपना विचार रखने का एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है प्रस्ताव। इसके साथ साथ एक शब्द है संकल्प। प्रस्ताव और संकल्प में अंतर है थोड़ा सा और समानताएं भी हैं, लगभग लगभग ये प्रस्ताव जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। प्रस्ताव क्या होता है कि यदि आप कोई प्रस्ताव लेकर के आए तो आपके पास ये होता है कि आप उसको वापस भी ले सकते हैं, उस प्रस्ताव को आप वापस ले सकते हैं। लेकिन संकल्प यदि एक बार आप लेकर के आते हैं तो बिना अनुमति के, सदन की अनुमति के, आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं। ये पावर आपके पास नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार UPSC ने संकल्प और प्रस्ताव दोनों को मिला करके सवाल पूछा है, तो आप पॉइंट नोट करेंगे कि संकल्प एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। संकल्प क्या है, वह भी एक प्रकार का प्रस्ताव ही है। संकल्प एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सभी संकल्प एक प्रस्ताव होता है, सभी संकल्प एक प्रस्ताव होता है, परंतु जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि सभी प्रस्ताव संकल्प हों। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि सभी संकल्प जो है, सभी प्रस्ताव संकल्प हों। सभी संकल्प प्रस्ताव जरूर होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं वो संकल्प होते हैं। ठीक है, अब संकल्प भी तीन प्रकार के होते हैं। संकल्प में अगर आप देखेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो गैर सरकारी संकल्प, दूसरा है सरकारी संकल्प और तीसरा है संवैधानिक संकल्प। ठीक है, गैर सरकारी संकल्प, सरकारी संकल्प या कह सकते हैं कि आपका संवैधानिक संकल्प, ये तीन प्रकार के संकल्प होते हैं। प्रस्ताव में कई कैटेगरी, जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, अस्थगन प्रस्ताव, स्थापन प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, ये सारे प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे, तो इसीलिए प्रस्ताव के लिए जो उनका उसका वर्गीकरण है हमने अलग से क्लास करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम संकल्प पर बात कर लेते हैं और उसके बाद में क्लास समाप्त करते हैं। तो संकल्प तीन प्रकार के होते हैं। गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है ऐसा संकल्प जो सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी गैर मंत्री के द्वारा लाया गया हो। ठीक है, गैर मंत्री का मतलब, मंत्री का मतलब होता है सरकारी। ठीक है, मंत्री का मतलब सरकारी, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा होता है। मंत्री के अलावा चाहे वो उसी दल का सांसद हो,
लेकिन वो सरकारी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है और वो कोई संकल्प लाता है और वो मंत्री नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे कि वो गैर सरकारी संकल्प है, ठीक है। वो चाहे कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, डीएमके का हो, एआईडीएमके का हो, या किसी अन्य समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी, किसी का भी हो, अगर वो मंत्री नहीं है व्यक्ति, तो उसके द्वारा लाया गया कोई भी संकल्प सरकारी नहीं हो सकता है। तो गैर सरकारी संकल्प क्या होता है, जो मंत्री के अलावा कोई लेकर के आए। अब इस पर क्या होता है कि जो है सूचना दे, वो पूर्व सूचना दे करके वो संकल्प को लाते हैं, और अमूमन इस पर शुक्रवार को चर्चा होती है। कब? शुक्रवार को इस पर चर्चा होती है जब सदन चल रहा होता है। सरकारी संकल्प मंत्री लोग लाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जब धारा 370 में बदलाव करने थे, तो राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प अमित शाह ने पढ़ा, तो अमित शाह क्या थे, मंत्री थे, गृह मंत्री थे। तो होता क्या है कि मंत्री लोग जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसे सरकारी संकल्प कहा जाता है, और यह सोमवार से लेकर के गुरुवार तक किसी भी दिन प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। संवैधानिक संकल्प जो है वो संविधान के किसी प्रोविजन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, और इसको ला सकता है कोई गैर सरकारी सदस्य भी और सरकारी सदस्य भी, यानी कि मंत्री भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं और गैर मंत्री भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संवैधानिक संकल्प में जो शर्त है वो क्या है कि उसका संबंध किसी न किसी संवैधानिक प्रावधान से होना चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना है या कोई कुछ भी उसमें करना, कुछ ऐड करना है, तो वो संबंधित होना चाहिए किसके साथ, संविधान के साथ। जैसा कि धारा 370 के टाइम पर था, अमित शाह संकल्प जो लेकर के आए उसका संविधान, उसका संविधान से संबंध था, तो संवैधानिक संकल्प हुआ, ठीक है। तो ये है संकल्प का वर्गीकरण, और प्रस्ताव संकल्प में क्या अंतर है ये आपने समझ लिया। अब हमने कुछ प्रस्ताव पढ़ने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम एक क्लास में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सवाल, अपने संदेह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।